हाँ तो हम लोग डाउट कर रहे थे ना, तो डाउट में कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया? पहला तो कर दिया ना, सेवेंथ हो गया। अच्छा एट्थ वाला कर रहे थे, तो ये एट्थ वाले में क्या आंसर होगा? और क्या रह गया? एक और देखो उसको करते हैं सॉल्व, पूरा कर रहे थे ना हम। क्या क्या निकलेगा यहां से? तुम जो कर रहे थे एट्थ वाले क्वेश्चन, तो इसमें तुम लोगों ने ट्राई किया था भाई? किसने ट्राई किया था? साहिल है, ट्राई किया तुमने? कौन ट्राई किया था ये कि इसका एलपी अपॉन डाउट वाला बच्चा है? डाउट है तुम लोगों को किसका डाउट है ये? देखो एक क्वेश्चन पी वैल्यू वाला पहले वो कर देता हूँ, जो लास्ट भेजा हुआ ना ग्रुप में, 2021 का क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर और आता है देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्या पूछ रहा है ये कि रैंडम सैंपल X1 X2 X6 जो है ना, सो X1 X2 X3 X4 X5 X6, ठीक है? ये IID है बर्नौली थीटा, है ना? ये है बर्नौली थीटा एंड एच नॉट, तुम्हें क्या दे रखा है? हाँ सर इसका शायद ऑप्शन कर लेते, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये हो गया था बट मैच नहीं कर पी वैल्यू रहा। वाला। अच्छा ये पी वैल्यू वाला है सर, मैं हाँ गलत क्वेश्चन नहीं अभी देख अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखो, उसमें रहा, वेट कर मतलब एक और रुको। 20 द्वारे गेट द्वारे की इसका, या क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे वाले, उसमें तो देखो इसमें दे रखा है थीटा हाफ है, और H1 में क्या दे रखा है? थीटा मोर देन हाफ है। तो इस तरीके से थीटा हाफ और थीटा मोर देन हाफ। अब Y जो है हमारे पास, हाँ सर ये 7/64 होगा बट ऑप्शन गलत दे रखा है गैस। नहीं नहीं चेक करते रुको। सो ये तो हमने I फ्रॉम 1 to 6, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? समेशन बाइनोमियल 6 होना चाहिए समेशन था सर। एक्स आई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल 6, थीटा। ओके तो ये होगा बाइनोमियल 6, थीटा। पूछा क्या है? इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द सैंपल इज 4, तो बोल रहा है कि क्या पी वैल्यू होगी? तो पी वैल्यू इसमें क्या आएगी? सो पी वैल्यू होगी कि ये जो, क्वेश्चन हो चुका है पहले, ये तो हो चुका है ना। हाँ यहाँ तुमने इक्वालिटी मिस किया होगा एक्चुअली, जिसका आंसर नहीं आ रहा है यहाँ मोर देन इक्वल टू 4 हो। वाई से ग्रेटर देन हो जाएगी पैरामीटर डायरेक्टली इक्वल टू 1/2 के लिए सर। हाँ वाई को लोग 2/5 से एक्सपेक्ट करें, इसमें शायद 11/32 समथिंग ऐसा आया सर। हाँ राइट राइट, ये हमने क्लास में किया है ऑलरेडी। तो ये क्या होता है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है मोर देन इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू मोर देन इक्वल टू व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट इज ट्रू मतलब थीटा इज हाफ। अब इसको सॉल्व कर लो क्या आएगा? सो हाँ का सर सही बोल रहे हो आप, मैंने इक्वालिटी मिस करी, मैंने 5 और 6 पे निकाला ठीक है इसलिए ना, 7 बटे तो दो यहां से सर। 4, 5, 6 पे निकाल लो आ जाएगा। तो ये है ना ये वाई जो है तुम्हारा बाइनोमियल, वाई जो है बाइनोमियल 6, थीटा है, तो वाई बराबर है ना, y की वैल्यू 0 से लेके 6 तक हो सकती है यहाँ पे, तो 4, 5, 6 में निकाल लो वैल्यू इसकी, तो है ना, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? 11/32 ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा, ये तो कर लिया था आपने ठीक है। अभी बाकी जो इसने भेजा हुआ है और कौन सा रह गया? इसके पीछे वाला देखो 17 नंबर जो है, क्या है इसमें कि लेट एक्स वाई हैज, इसे सॉल्व किया है कि नहीं, इसने बस भेज दिया है। तो ये कह रहा है कि एक्स वाई हैज अ जॉइंट पीएमएफ दे रखा है तुम्हें, टेस्टिंग एच नॉट बराबर, देखो इसमें एक्स वाई दो तुम्हारे पास है ना, जॉइंट पीएमएफ है, तो बाइवेरिएट वाला जैम में तो नहीं आएगा, जैम में तो यूनिवेरिएट केस में बोला हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। तो एम बी द कार्डिनलिटी ऑफ द
दिस ऑब्जर्व वैल्यू। देखो इसमें बहुत सारे क्या है ना, जो टेस्टिंग के बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स गेट में है, तो जरूरी के जो जैम वाले बच्चे हैं वो सारे तुम कर पाओगे, जैसे रैंडमाइज टेस्ट है, नॉन रैंडमाइज टेस्ट है, इस तरह के हैं, या बहुत सारे ना साइन टेस्ट, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, तो वो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन जो गेट के एग्जाम वाले कर पाएंगे, क्योंकि एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में अलग से बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट है वहाँ पे, है ना, जैसे कोलमोग्राफ उसमें टेस्ट है, या बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट टेस्ट है, तो सारे टेस्टिंग बहुत जरूरी है तुम लोग कर पाओगे एक्चुअली, क्योंकि उसके हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है वही करना है, नॉन पैरामेट्रिक वाला आप लोग नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट रिजेक्ट एच नॉट इफ दिस, ठीक है, 0 0 पे 1 1 पे थीटा है, 1 0 0 1 पे 1 - 2y - थीटा है, और एच नॉट दे रखा है थीटा वाला 1/4, और एच वन है थीटा इज इक्वल टू 1/3। देखो क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ गया, तो ये तो हो गया ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, कौन सा पिछला वाला, तो ये तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें, नहीं पिछला वाला, ये पी वाले वाला कर रहे थे हम, अभी दोबारा स्टार्ट किया लास्ट क्वेश्चन से तुम्हारे, इसमें क्या डाउट है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 20 देखो सर, क्रिटिकल रीजन वाला कैसे पता लगता है, क्रिटिकल रीजन कैसे पता चलता है, ये है ना थीटा मोर देन 2, यहां पे तुम्हें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर एच नॉट, ये नहीं तो तुम निकालो ना उससे, तुम्हें क्रिटिकल रीजन निकालना आता है ना, वो भी तुम देख सकते हो क्या आएगा, ये तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दे रखा है तुम्हारा, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, क्रिटिकल रीजन क्या होगा, हाँ ये 4 क्या है, क्वेश्चन में लिखा ना 4, मैंने मरीज से भी लिया है, क्वेश्चन क्या है 4 क्या है, डेफिनेशन याद करो ना, पी वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, हाँ कि जो ग्रेटर इक्वल टू टी नॉट, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इक्वल टू इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जब इसका क्रिटिकल रीजन उस टाइप से होगा कि मोर देन इक्वल टू वाला, उस केस में जब मोड वाला है तो मोड वाला लेंगे, लेस देन वाला है तो लेस देन वाला लेंगे, जैसे जाम 2023 में जो आया तो उसका क्रिटिकल रीजन आ गया एक्स बार लेस देन इक्वल टू के, वही था ना, तो वहां पे तुम्हें एक्स बार लेस देन उसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वो लेना है, फिर उस पे तुम्हें करना था जो आया था 1 - 2y e टाइप का, वो आएगा सर, तो आपने ये थर्ड पीडीएफ भेजा था इसमें अलग क्वेश्चंस हैं या, हां उसमें नॉन पीवाई क्यू क्वेश्चन है, थर्ड पीडीएफ भेजा उसमें नॉन पीवाई क्यू सारे हैं, 100 क्वेश्चन है ना उसमें, 100 क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे नॉन पीवाई, उसमें पीवाई क्यू एक भी नहीं है, एक तो जैम पीवाई क्यू है, एक गेट पीवाई क्यू है, तीसरा वाला नॉन पीवाई क्यू असाइनमेंट, मतलब 100 क्वेश्चन है एस्टिमेशन और टेस्टिंग के, जो किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर के नहीं है वो, सर एक बार दो क्वेश्चन आ रखे 15 और 17 जिसमें वो एस या एम करके वो, तो 1 by 1 करते हैं, हाँ रुक जाओ 1 by 1 इसका देख लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि गेट के सारे टेस्टिंग वाले प्रॉब्लम जरूरी नहीं कि जाम वाले सारे कर लेंगे, क्योंकि उसमें तुम्हें देखना है कि जैसे कल वाला भी जो लास्ट क्वेश्चन था एक्चुअली वो रैंडमाइज टेस्ट पे बेस्ड है, तो वो जाम में नहीं है एक्चुअली, तो वो जाम वाले कॉन्सेप्ट से नहीं हो पाएगा, हाँ सर ये बहुत सारे बिल क्वेश्चन वगैरह, हाँ तो डिफरेंट ना साइन टेस्ट बिल क्वेश्चन, ये तो बहुत सारे टेस्ट डिफरेंट टाइप के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, जो वो सारे क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, अपने फॉर्मूले होते हैं ना टेस्ट वगैरह, हाँ उसका अपना अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से अपना एक क्रिटिकल रीजन है उसका, उसके हिसाब से थ्योरी है, वो थ्योरी हम गेट वाले बैच में डिस्कस करेंगे, वो है तो भी गेट की क्लासेस मैं स्टार्ट अभी करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम कम पड़ रहा है ना, करना पड़ेगा तो किसी और से हेल्प लेना पड़ेगा, मतलब क्या है एक दो टॉपिक जो लास्ट के हैं तो मैं अभी दूसरा टीचर भी अरेंज करता हूँ, गेट वाले लोग हैं पढ़ लोगे, है मेरे जान पहचान वाले लोग, जैसे मयंक सर है, मयंक मेरे दोस्त ही हैं जो संख्या चलाता है, जानते हो कोई, जानता हो कोई तुम्हें से लोग, यस सर मयंक सर को जानते हो जो बॉम्बे से पीएचडी कर रहे हैं, बस तक ग्रुप में है संख्या संख्या चलाते हैं ना आईएसएस का पढ़ाते हैं वो, Yes, sir. तो हो सकता है उनसे भी एक क्लास, मतलब वो गेट वालों को उससे क्लास कुछ एक टॉपिक हो सकता है रिग्रेशन, हां सर क्योंकि सिलेबस तो वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, स्टोकेस्टिक में भी वो छोटा सा मार्कोव चेन का पोर्शन पढ़ना है वो तो आसान ही है, स्टोकेस्टिक नॉन पैरामेट्रिक रिग्रेशन एंड एक और है मल्टीवेरिएट,
तो चार टॉपिक है तो अकेले मुझे मुझे भी मैथ्स पोर्शन भी कराना है, एप्टीट्यूड भी कराना है, एप्टीट्यूड भी कराऊंगा मैं, तो एप्टीट्यूड है, मैथ्स पोर्शन है, मैथ्स पोर्शन में कुछ एक्स्ट्रा है ना, फिर इधर भी कुछ एक्स्ट्रा है ना, एक घंटे का लगा दो उनका जो भी आप बोल रहे हो टीचर का, एक घंटा ही तो इनफ है, मतलब एक महीने में हो जाएगा। वो तो सैटरडे संडे पढ़ाएंगे, वो है मेरी फ्रेंड अंकिता है जो आईआईटी बॉम्बे से भी पीएचडी कर रही है, तो उसको सोचता हूँ एक टॉपिक पढ़ा देंगे, दो टीचर का हेल्प देंगे, दो टॉपिक वो पढ़ा देंगे, बाकी जितना है वो मैं पढ़ा दूंगा, मैं देखता हूँ कौन पढ़ाएगा कैसे क्या करना है। मैथ में बुरा हो जाएगा, बाकी स्टोकेस्टिक भी मैं करा दूंगा, नॉन पैरामेट्रिक भी करा दूंगा, रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट का देखता हूँ मैं, एक कोई रिग्रेशन पढ़ा देगा कोई मल्टीवेरिएट पढ़ा देगा ऐसे करके। सर उनका वेटेज कितना है, वैसे तीनों चारों सब्जेक्ट का मिला के 15-20 नंबर का, 20 से 25 लगा लो मैक्सिमम, अराउंड 20 है सबके, 5-5 नंबर अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 5-5 नंबर का है सब, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है कभी 3-4-5 ऐसे आते रहे हैं। स्टोकेस्टिक का जो है वो जनरली कभी 5 कभी 6 कभी 8 नंबर के भी आए हैं, कभी वैसा है, बाकी जो है वो 3-4-5 नंबर के आए, मैक्सिमम 5 नंबर तक मिलेगा ये। स्टोकेस्टिक तो स्कोरिंग सा लगता है सर, क्योंकि प्रायोरिटी वगैरह ही तो निकालनी है मार्क ऊंचे थोड़ा सा उसका कांसेप्ट है वैसे। ठीक है, इसमें क्या बताना भाई, देख लो तुम्हारा कौन सा रह गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन का 17 वाला, चलो 7 तो हो गया था। 17 में क्या है कि तुम्हारे पास बाई वेरिएट है ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यू वो तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ओके और ये जैम से बाहर का एक्चुअली, यहाँ पे क्या बात कर रहा है देखो कि तुम्हारे पास सैंपल है X1, वहां पे जो टेस्टिंग में तुम देखोगे यूनिवेरिएट के लिए टेस्टिंग करता है ना वहां पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी तुम देखो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर द यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसमें देखना या वो है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ उसमें क्या दिया हुआ है। सैंपल साइज 2 का है तो जैम का तो होगा नहीं, जैम लेवल पे नहीं होगा। एम बी द कार्डिनलिटी ऑफ द टेस्ट आई सच दैट एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई इक्वल है। एम बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, एम क्या है इस सेट की कार्डिनलिटी है, तो कार्डिनलिटी क्या है यहाँ पे, तो या तो कार्डिनलिटी क्या क्या हो सकती है, तो एक्स के सपोर्ट में कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, 0-1 01 है तो हाँ, या तो इसमें या तो एक भी इक्वल नहीं होगा या दो एक इक्वल होंगे या दोनों इक्वल होंगे। एम भी दूसरा ये जैम का, ये नहीं इसको छोड़ दो, जैम वाले टॉपिक पे नहीं आएगा ये ना, ये जैम में जो भी है वो जनरली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे ही सारे हो जाएंगे, तो ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे नहीं है ये, तो इसको छोड़ दो। कौन सा 15 क्या कह रहा है कि suppose that the x1 x2 xn are the independent iid hai na with median theta okay aur tumhe h0 mein theta theta not hai aur theta more than theta not hai so consider a test that reject h0 hai na to if s more than c s kya hai wohi cardinality wala hai isko chhod do ye sab non parametric questions hai jo jam mein nahi hai aur kaun sa aa gaya tumhara 8 number aa gaya khali 8 12वां तो करा ही दिया 8वें में क्या दिक्कत आ रहा तुमने सॉल्व किया क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें जो 8th वाला है सर इसमें प्रॉब्लम मुझे आ रही है कि जैसे आप l not upon l ml करेंगे तो उसमें x बार की जगह पे 1 लेंगे 1 लेंगे क्या ml कितना आता है यहां पे इसमें x बार ही आता है ना समेशन x ही आता है तो यहां तो ऑब्जर्वड वैल्यू तुम्हें यूज ऑब्जर्वड वैल्यू क्या होगी उसकी तो x बार की वैल्यू 1 ही हो जाएगी हां अच्छा तो तुम ये कहना चाह रहे हो तो एंड में तुम्हें x बार की तो ऑब्जर्वड वैल्यू दे रखी है ना तो यूज करना है उसको यस तो एंड में तो यूज करना होगा x बार हां लास्ट में तो फिर वो x से कुछ बचेगा ही नहीं हां तो x बार को रखो ना 1 तो वही तो चाहिए तुम्हें नंबर ही तो चाहिए तुम्हें यहां पे तो फिर वो टेस्ट स्ट्रेटजी का ऑब्जर्वड वैल्यू मांग रहा है ना हां और तो फिर कटपेट के खत्म हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो वही तो चाहिए तुम्हें क्या चाहिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है यहाँ पे ऊपर वाले आपके इक्वल टू 1/2 हो जाएगा LH0 upon LH1 तो यही टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू देखो क्या आती है यही आना चाहिए यही तो है दिस इज लेस देन इक्वल टू k होता है ना हां सर तो ये इसकी देखो ऑब्जर्व वैल्यू क्या आती है अच्छा इसी की जो वैल्यू वही तो बतानी है तुम्हारा हो गया और किसका रह गया
इधर सर नाइन्थ रहा वो तो मेरा पूरा गया था, पर पता नहीं क्या आंसर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अब तो एक बार आप दस डिस्कस कर लो, कौन सा नाइन्थ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। नाइन्थ क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन तो मतलब पढ़ लो, भेजो ये अखिलेश ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं। हाँ पहले तो तुम कल और परसों वाली वीडियो देखो, या कल परसों क्लास में थे लाइव में, लास्ट दो क्लास में तुमने जो क्वेश्चन भेजे हैं ना, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया है लास्ट दो क्लास में, तो पहले वहां देखो और जो बच जाएगा वो 6 to 7 में पूछना। हाँ तो पहले आप उसको लास्ट दो क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, 118-117 नंबर होगा लेक्चर नंबर, अभी आज का 119 होगा, लेकिन इसको मैं डाउट क्लास में डालूंगा, मतलब इसको लेक्चर नहीं बनाऊंगा। तो लास्ट 180-118-117 लेक्चर नंबर देखो, उसमें जाके जो डाउट तुम्हारे रह गए वो कल 6 to 7 या 6 to 7 डेली डाउट क्लास चल रही है उसमें पूछो। तो उसमें डाउट पूछो, फिर ना हो तो बताना, बाकी डाउट क्लास चली ना डेली, डाउट क्लास चली रहा है तो ये। सर एक और भेजा है, लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ लास्ट तीन क्वेश्चन। हाँ बताओ। वैसे पहला वाला जो है उसमें फाई को कैसे यूज करना है, वो समझ नहीं आ रहा। फाई को बोलते हैं टेस्ट फंक्शन, है ना, देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो मैं पीडीएफ दे दिया और एच नॉट एच वन दे दिया, और फाई एक्स वन है अगर ऐसा हो रहा है, फाई अगर जीरो है अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टेटमेंट आर ट्रू, फाई इज अ यूएमपी ऑफ साइज अल्फा टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे फाई जो होता है ना, फाई जो फंक्शन, इसने टेस्ट फंक्शन बोलते हैं इसको, ये नोटेशन मैंने यूज नहीं किया है, ये कैसेला बर्गर में लिखता है, वीके रोहतगी में नहीं लिखता है। तो कैसेला बर्गर वाली बुक देखोगे ना, वहां उसने क्रिटिकल रीजन को टेस्ट फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया होगा। तो वो क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे वन रखते हैं जब x belongs to c, ये नाइन ला रहा हूँ वेक्टर है, और वन when x belongs to c, जीरो when x does not belong to c, ठीक है, इस तरीके से तो ऐसा हो जाएगा। और तो यहां से बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स किसके इक्वल होगा, और इसको क्या बोलते थे हम, इसका नाम क्या है, पावर फंक्शन। तो ये पावर फंक्शन है। तो अब तुम्हें जो करना है ना कि लाइक वही चीज इसके लिए करो, तो वहां तुम प्रोबेबिलिटी लेते थे x belongs to rejection reason है ना ये, तो तुम phi के जगह expectation ले लो। तो वहां भी जो पहले लिखा है ना, तुम समझ आ गया होगा, जो पहले लिखा है वन के साथ वो क्रिटिकल रीजन है तुम्हारा, ठीक है। तो ये वन आगे जो लिखा है ये क्रिटिकल रीजन है, ये रिजेक्शन, मतलब ये रिजेक्शन रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन हो गया। तो इस तरह से तो बता रखा है कि phi expectation of phi ले लो, तो वो वन के साथ जो लिखा है कंडीशन वो क्रिटिकल रीजन है। नेक्स्ट तुम्हारे क्या है, नेक्स्ट में क्या है, अच्छा तो ये पी नॉट पी वन दे रखा है तुम्हें, so one is a critical reason of most powerful test at level alpha is 0.05 0.05।
हाँ जैसे वो वाला क्वेश्चन, मैं बोला कल वाला जो क्वेश्चन था वो तुम्हारे जैम के सिलेबस में नहीं है, वो एक्चुअली वो ना रैंडमाइज टेस्ट एक टॉपिक है उसका क्वेश्चन है वो, जो कल क्वेश्चन मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास में, तो वो तुम्हारे जैम का ही नहीं, वो गेट का, वैसे भी क्वेश्चन गेट का ही था, तो जैम के कौन, जैम में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा ये है कि नहीं है। तो एट लेवल 0.03 तो -1 जैसे पूछा क्या, ट्रू पूछा है तो इसमें सारे ट्रू हो जाएंगे क्या। अल्फा 0.05 कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, नहीं, इक्वल टू वन ना, एक्स इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी कितनी अंडर एच नॉट, 0.05 क्योंकि जीरो लेस देन लोगे तो ऐड होकर ज्यादा हो जाएगा ना, तो ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू वन जो है वो एक क्रिटिकल रीजन होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है अंडर एच नॉट 0.05 है। अब क्या ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट है, तो उसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा, तो और कोई तो यहाँ है ही नहीं, अल्फा 0.05 दे रहा है ना, और कोई दे रहा है क्या, तो उसमें तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि -10 इज द क्रिटिकल रीजन ऑफ एन मोस्ट पावरफुल टेस्ट एट लेवल अल्फा 0.03, तो चेक करो फिर से -1 और 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐड होके 0.03 आ जाएगी, ठीक है। -1 और 1 पे ऐड हो गया 0.6, तीनों ऐड हो गया अगर 0.8, इसमें क्या सारे ट्रू है क्या, आंसर दे रखा है कुछ ठीक है ना, क्या है आंसर, ठीक है ना। इसमें आपने सही चेक कर लिया उसको, हाँ यही लॉजिक मैं कल भी लगा रहा था लेकिन वो उस पे बैठेगा नहीं, तो इसीलिए इसमें नहीं, क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन है उस पे देख लो। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है कि किसी और क्रिटिकल रीजन के रेस्पेक्ट में पावर हाईएस्ट है, लेकिन होगा क्या कि अल्फा की वैल्यू किसी और वैल्यू पे उतना मिलेगा ही नहीं तुम्हें यहाँ पे, जैसे 0.05 तो सिर्फ वन पे ही है, तो दूसरा कोई क्रिटिकल रीजन है ही नहीं जिसका साइज 0.05 होगा, ये अकेला एक क्रिटिकल रीजन है जिसकी वैल्यू 0. जिसकी प्रोबेबिलिटी अंडर एच नॉट 0.05, मतलब इसका साइज 0.05 है, तो ये खुद मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। उससे बाकी वैसे ही स्टोरी है सेम, तो चेक करना क्रिटिकल रीजन है कि नहीं, तो साइज चेक करना उस क्रिटिकल रीजन का अंडर एच नॉट। ये थर्ड वाले क्वेश्चन में इसमें जैसे हम जो नॉर्मली एल नॉट अपॉन एल ले लेते हैं, तो इसमें तो एम एक रेंज आ रही है ना, देखो किस पे मैक्सिमम होगी फिर क्या क्या फाइंड करना है तुम्हें, पावर ना, तो मैक्सिमाइज करो उसको कि पूरा इंटरवल अगर आ रही है तो किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम आंसर देगा पावर, इस तरीके से देखना पड़ेगा। ये साइज है तो साइज मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो क्रिटिकल रीजन ले रहे। अरे ठीक तुम्हें क्रिटिकल रीजन क्यों निकालना है, दे तो रखा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन 0, तुम्हें क्यों निकालना है थर्ड वाले में, और सिंपल वर्सेस सिंपल है तो एमएलई की क्या जरूरत है यहाँ पे, तो है ना, सिंपल और सिंपल एमएलई की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली और वो तुम्हें दे रखा है ऑलरेडी क्रिटिकल रीजन दे ही रखा है। सर एक वो असाइनमेंट मिला तो हो गया था, उसमें डिस्कस कर सकता हूँ। हाँ कौन सा बताओ, अभी नीचे भेजा, हाँ वो असाइनमेंट भेजा ना, असाइनमेंट यहाँ भी है मेरे पास। हाँ
कौन सा क्वेश्चन इसमें डाउट है? क्वेश्चन 10 वाला भाई, जल्दी 10। इसमें ये जो ऑप्शन ये है, ये भी तो तुमको सैंपल स्पेस बताती है कि ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है। फॉर इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो जब पॉइजन का तुम लिखते हो लाइक्लीहुड फंक्शन, तो क्या होता है? क्या बनता है? ये प्रोडक्ट आई थिंक ये डी हो रहा होगा ना, डी हो रहा है क्या? तो इसलिए पहला नहीं होगा, ये प्रोडक्ट लगा दिया इसलिए नहीं होगा, है ना? सम होगा। सी वाला कैसे आएगा? सी देखो बना पाओगे, इस तरह अगर बना पाओगे तो हो जाएगा, लेकिन C क्या है? X1 upon summation XI कर दिया है। हाँ तो बना सकते हो, इस तरह देखना पड़ेगा। देखो मेन क्या है कि यूनिक नहीं है ना sufficient estimator, तो तुम अगर बना सकते हो तो लाइक्लीहुड फंक्शन इसका क्या होता है? प्रोडक्ट e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर xi अपॉन xi फैक्टोरियल, यही ना पॉइजन है। तो यहां बनेगा तुम्हारे पास e की पावर माइनस n लैम्डा एंड लैम्डा की पावर समेशन xi अपॉन प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल, इस तरीके से। एंड क्या आएगा? अब देखो यहां से इसको ब्रेक करो, तो तुम्हें क्या करना है कि एक तो ये एक्स आई का फंक्शन है, इसको बाहर कर लो। तुम्हें लाना क्या? एक्स वन अपॉन समेशन एक्स आई, वो जो कह रहे थे। तो इसमें ये होता है कि जिस सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स आई हो, सैंपल वो तो ये सफिशिएंट रहता है ना, इसका तो ये है। चलो इसमें तो हाँ प्रोडक्ट वाला तो इस केस में वैसे भी नहीं हो सकता ना, कोई थ्योरम भी वैलिड नहीं है। क्या कह रहा है? जैसे मान लो ये तो इसलिए ट्रू है डी वाला कि इसको तुमने e की पावर माइनस n लैम्डा और लैम्डा की पावर x1 लिख दिया और लैम्डा की पावर समेशन एक्स आई आई फ्रॉम टू से एन कर दिया इस तरीके से, ठीक। और यहां है प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल, तो इसको बाहर बोलो फंक्शन ऑफ एक्स आई है। तो यहां पे चूंकि लैम्डा और एक्स आई साथ में, तो इसको बोल सकते हो कि जॉइंटली है, लेकिन वो कैसे बनाएंगे अगर मुझे रेशियो में लाना है? तो ये कहीं ना कहीं हमें वैसा बनाना पड़ेगा, ऐसा तो बनेगा नहीं, बना पाएंगे? देखो अगर मैं डिवाइड भी कर दूं x1 से तो क्या बनेगा? ये तो नहीं बनेगा, ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ना। और वैसे भी यहाँ तो टू से स्टार्ट होता है, कुछ सोच भी सकते वन से स्टार्ट है, गलत होगा। उसने क्या सी भी लिखा है आंसर में? नहीं लिखा है ना, सी तो होगा ही क्योंकि बना ही नहीं पाएंगे।
तो सी तो होगा नहीं क्योंकि भाई से तो ये नहीं होगा, बाकी वो भी नहीं होगा ठीक है। क्योंकि तो ऐसा तब होता है जब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ये जनरेट कर पाते। तो लेस देन इक्वल टू लिया, मोर देन इक्वल टू लिया कह रहे हो। हाँ हाँ, यहाँ तो सिंपल वर्ड से सिंपल है तो क्या दिक्कत है, ये तो सिंपल वर्ड से पता चल जाएगा ना। अच्छा एक मिनट, इसने क्या लिखा, यहाँ थीटा वन होना चाहिए ना, कि नॉट क्यों लिखा है, दोनों थीटा नॉट ही है, वैसे तो नहीं होगा, इसने लिखने में गलती की है। नहीं, उसने लिखा है, उसने सर लिखा है ना ग्रेटर देन थीटा नॉट, वो थीटा वन ही होगा गलती से लिखा होगा। हाँ, या मान लो थीटा मोर देन थीटा नॉट है, ठीक है। हाँ तो क्या तुम देख के डिसाइड करो, तुमने ट्राई किया है फाइंड करने का? उसको सेटिस्फाई करेगा ना, जो क्रिटिकल डिजाइन आएगा वो x बार लेस देन k सेटिस्फाई करेगा उसको। इसमें भी समेशन x i लेस देन k टाइप ही आ रहा है, क्योंकि थीटा 1 बड़ा है ना बेसिकली, तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव बना देगा सब कुछ। हां तो वो तो सिंपल करने से दिख जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या थीटा i की पावर माइनस थीटा x, तुम कैलकुलेशन करो ना, थीटा i की पावर माइनस थीटा x ये है ना, तो x मोर देन 0 ठीक है, सो x मोर देन 0 हो गया। अब यहां से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, तुम यहां पे रख लो कोई नहीं, थीटा मोर देन थीटा नॉट कर लो ठीक। इसमें अब ट्राई करो, इसमें क्या है, एल थीटा नॉट अपॉन यहां एमएल क्या आता है इसका, थीटा की पावर एन क्या एक्स बार आएगा, एमएल क्या आ गया यहां पे, वन बाई एक्स बार आएगा ना, चेक करो, क्योंकि ई ऑफ एक्स आई का मीन कितना है, यहाँ पे एक्स का मीन कितना है, हाँ तो एक्स बार का मीन कितना आएगा, वन बाई थीटा आएगा ना, तो थीटा का एमएलई क्या होगा, तो यूज करो, तुम कैलकुलेशन वगैरह किया नहीं, तुम ऐसे ही गेस कर रहे हो, तुम्हें गेस नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। अब लेस देन इक्वल टू के करो, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही निकल के, अब मैं भी कैलकुलेशन कुछ नया थोड़ी करूंगा जो तुम नहीं करोगे, इसमें क्या मैं नया कर दूंगा, तो इसको पुट करो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, तो यहाँ क्या आएगा, थीटा नॉट की पावर एन ई की पावर माइनस थीटा नॉट समेशन एक्स आई और अपॉन में वन बाई एक्स बार की पावर एन ई की पावर माइनस क्या होगा, यहाँ वन बाई एक्स बार रखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये थीटा की जगह वन बाई एक्स बार समेशन एन एक्स बार हो जाएगा, तो माइनस एन हो गया, लेस देन इक्वल टू के ये ना। तो यहां से हमने जो कैलकुलेशन किया था उस दिन, एक्स बार की पावर एन एंड अपॉन थीटा नॉट की पावर एन ठीक,
इसको उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बचा है e की पावर माइनस थीटा नॉट, तो n x बार बोल सकते हो, x बार के टर्म में ला, x बार के टर्म में ले आओ, समेशन x i में ला, समेशन x i में ले आओ। ओके, अब क्या बोलोगे, यहाँ से क्या आएगा, लॉग लिया होगा तुमने, है ना? तो लॉग लोगे तो क्या आया, थीटा नॉट को भेज दो उधर, थीटा नॉट तो क्या है, पॉजिटिव ही है ना। सो x बार की पावर n e की पावर माइनस थीटा नॉट n x बार लेस देन x, हम को ना मान लो ये k1 था, ये k2 है, ये k3 है, इस तरीके से। तो यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x बार लेस देन k, अगर x बार लेस देन k होगा, e की पावर माइनस थीटा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं फिर कोई ये पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस थीटा एंड एक्स बार इज लेस देन जीरो, ठीक, तो एक्स बार की पावर एन, ठीक है, ऐसा कर दूं, तो यहां से हाँ उसने डिड्यूस किया था ना, तो अच्छा जान 2023 वाले क्वेश्चन में इसके क्रिटिकल रीजन की जरूरत थी, यही ना तुम ये कह रहे हो, तो सॉरी, तो यहां से ये आ गया, दिस इज लेस देन दिस, अच्छा इसको मैं लेस देन के कर दूं तो क्या होगा, ये भी लेस देन के हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं लेता हूं x बार लेस देन, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लेस देन दिस, दिस लेस देन के, ये कोई कांस्टेंट ही है ना, के तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो x बार की पावर n जो है वो लेस देन होगा, सर सिंपल वर्सेस, मुझे बस एक x बार में चाहिए था, तो यहां से रिड्यूस हो गया, आ गया x बार लेस देन इक्वल टू k बोल दो, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। है ना, देख लो, इसको रिड्यूस कर लो, ठीक है, तो इससे आ गया। तो ये क्रिटिकल रीजन लेके जैम 2023 में जो क्वेश्चन आया था p वैल्यू वाला, तो इस क्रिटिकल रीजन से निकालोगे तो वो आया था ना कुछ 1 माइनस 2 बाई ई आया था p वैल्यू, और हमने जब स्टार्ट किया था सॉल्व करना तो उस समय x बार मोर देन k लिया था, तो उससे आंसर आ गया था e बाई 2, मतलब 2 बाई ई आ गया था, तो 2 बाई ई समथिंग 0.74 आता है, और ये 0.26 के करीब आएगा आई थिंक, तो ये आंसर है ना, क्योंकि क्रिटिकल रीजन तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ पे ये है कि एक्सपोनेंशियल इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल के लिए हमने जो लिखाया था वो था, है ना, वो मतलब तो याद रखना पड़ेगा तुम्हें कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिटिकल रीजन क्या है, स्पेशली नॉर्मल के लिए, ठीक है, तो ये क्रिटिकल रीजन है, ओके है। तो यहाँ से क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू के ही होगा, तो अब तुम्हें देख रहा है कि साइज अल्फा था, मतलब इसका मतलब बी और डी आउट हो, बी और सी आउट हो गया, बी सी आउट हो गया, अब ए सी में देख लो किसका साइज अल्फा है, वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। सर एक्चुअली मैं आंसर तो बी दिया है, तो उसने गलत दिया है, तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि सर डी लग रहा था मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली इसने क्वेश्चन ना जहाँ से उठाए किसी बुक से अल्फा अल्फा यूज करना चाहिए ना क्वेश्चन में, इसने अल्फा बताया ही नहीं क्या है, ऐसे लिख दिया बस, तो जिस बच्चे ने बनाया है, ठीक है, देख लो इसका प्रॉपर्टी निकाल के कि मतलब काई स्क्वायर बन रहा है, तुम्हें पता है ना नोटेशन का मतलब कि 1 माइनस अल्फा है तो इसके आगे की प्रॉपर्टी अल्फा है, तो इसके पीछे की प्रॉपर्टी कितनी होगी, सॉरी इसके आगे की प्रॉपर्टी 1 माइनस, हम मैं नोटेशन यूज करता हूं, तो इसकी इस पॉइंट के आगे की प्रॉपर्टी 1 माइनस अल्फा, पीछे की प्रॉपर्टी अल्फा होगी,
तो यही अल्फा आ जाएगी, यही टू हो जाएगा फिर तो ना, क्योंकि यहाँ से इस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी जो आएगी सम हाउ 1 अल्फा आ जाएगी, तो ये साइज अल्फा का बोल रहा है तो ये टू हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट बताओ सर, इसमें से एमएलए निकालते हैं तो एक बार आता है, और इसमें तो कुछ मतलब ना तो ऑब्जर्व है और बी बाई ए प्लस बी इसके बीच में ही आएगा एमएलए एक्चुअली, ठीक है। तुम एक काम करो, ए बी के चक्कर मत पड़ो, ए बी कुछ फिक्स कर लो अपनी मर्जी से, मान लो ए बी दोनों वन है मान लो अभी के लिए, या थोड़ा डिफरेंट हो तो बेटर रहेगा, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्या आएगा। ऐसे आसान क्वेश्चन है ये, देखो तुम जैम के सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आया है, डिफरेंट सिचुएशन में ना आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो लाइक्लीहुड फंक्शन पीएमएफ ही है, तो ये तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगा यही है, तो जो एल पी है तो ये क्या आएगी, तो एल पी की वैल्यू तुम्हारी आएगी क्या 1 - p व्हेन एक्स इज 0 एंड पी When x is 1, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सोचो यहां पे क्या होगा कि जब x 0 है तो एमएलई क्या रहेगा तुम्हारा, यहां से ध्यान दो, इसमें देख के बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, दिस ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब p मिनिमम होगी, तो जब x 0 है तो x 0 है तो MLE of P is जब P मिनिमम होगी A अपॉन A प्लस B, ये मैक्सिमम कब होगी, लाइक MLE क्या होता है, लाइक लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है, तो ये मैक्सिमम कब होगी, P मिनिमम होगी, P मिनिमम क्या हो सकती है, ये जब x 1 है, तो जब x 1 है तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब p की मैक्स वैल्यू जो भी मिल जाए। अब यही चीज तुम हर ऑप्शन में चेक करो, हर ऑप्शन में ये रखो, x को 0 रखो, बताओ कौन सा आंसर ये दे रहा है, चेक करो, x को 0 रखो आउट हो गया, x को 0 रखो आउट हो गया, x को 0 रखो ये ट्रू हो सकता है, हो रहा ना, देखो वहां नहीं होगा फिर, ये ओके है, नहीं नहीं जरूरत नहीं है, हाँ मतलब ऐसे बना रखा है, वो लिख रखा है बस उसके हिसाब से। हाँ हाँ नेक्स्ट बताओ,
ये टेस्ट इज बायस अनबायस टेस्ट जैन के सिलेबस में नहीं, इसने बाहर के क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो टेस्ट अनबायस टेस्ट बायस टेस्ट ये जैन के सिलेबस में नहीं, गेट में है, जैन भी नहीं, इसको छोड़ दो तुम अभी। टाइपिंग में सही नहीं करता ये, एफ क्या था यहाँ पे, सेवन लिख दिया गलती से, एफ रहा होगा क्या होगा, हाँ विथ पीडीएफ ना, तो ये एफ होगा, ठीक है। हाँ तो क्या करना है तुम्हें अब इसमें, लेकिन भाई यहाँ कितने पैरामीटर है इसमें, किसका है मेरी पूछा है, दोनों का, ठीक है हाँ बताओ आगे। हाँ फिर सिग्मा वाला यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स का इंटरवल दिया हुआ है नहीं, तो एक का एमएल निकल गया, दूसरे वाले में पुट कर दो उसको, जैसे कहीं म्यू के एमएल में सिग्मा आ रहा है तो सिग्मा का जो एमएल है वो यूज करो उसके जगह पे। अच्छा ऐसे कर सकते हैं, हाँ वही करना है, तो अगर एक के एमएल में दूसरा पैरामीटर आ रहा है तो पैरामीटर का एमएल यूज करो उसके जगह पे, हो जाएगा उससे। यूएम भी हुई पूछ लिया, अच्छा थीटा टू को ही बना लो, क्या दिक्कत है, थीटा टू में तुमने थीटा वन माइनस किया होगा है ना, एक्स माइनस थीटा टू अपॉन थीटा टू का स्क्वायर, तो वही काम करो, थीटा टू के लिए क्या दिक्कत है, इसमें अगर थीटा टू घटाओगे तो क्या होगा, अच्छा थीटा वन के लिए तुमने अगर कैलकुलेशन किया सेम थीटा टू के लिए होगा, थीटा वन के लिए क्या किया तुमने, तुम्हारा एक्सरसाइज जो है यूनिफॉर्म थीटा वन से थीटा टू है, फिर एक्स एन माइनस थीटा वन यूनिफॉर्म जीरो टू थीटा टू माइनस वन, थीटा टू माइनस वन से डिवाइड करके ये थी वन, माने कैसे थीटा टू माइनस थीटा वन होगा, तो इसमें क्या दिक्कत है, अगर तुमसे ये पूछा जाए माइनस एक्स आई क्या होगा,
तो यहाँ एक्स आई की वैल्यू है थीटा वन थीटा टू में नहीं, तो माइनस थीटा टू से माइनस थीटा वन में, क्योंकि थीटा टू ज़्यादा है ना तो माइनस थीटा टू कम हो जाएगा। तो हो गया, सेम स्टोरी इसके साथ रिपीट करो अब। मॉड मॉड के लिए जरूरत क्या है, जैसे यहाँ पे मॉड लेने की जरूरत पड़ी है, यहाँ क्यों जरूरत पड़ेगी? थीटा टू थीटा टू निकालने के लिए अगर एक्स आई माइनस थीटा टू कर दिया मैंने, हाँ तो उसमें मॉड लेंगे तो क्या गड़बड़ होगा? वो वहाँ भी वही रहा है तुम जो सोच रहे हो, यहाँ भी मॉड लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पे अगर थीटा टू घटा दिया तुमने तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ तो वही तो वहाँ भी हो रहा है एक्चुअली। फिर मॉड क्यों लेना है तुम्हें? देखो एक्स आई माइनस थीटा टू अपॉन थीटा वन माइनस थीटा टू क्या होगा, या थीटा एक्चुअली नेगेटिव नंबर है ये, ठीक है ना? तो ये नेगेटिव नंबर है, तो अभी तुम्हारे पास ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, थीटा वन माइनस थीटा टू ये क्या आएगा? नहीं नहीं, मैंने डिवाइड उसी से किया है, ये जीरो जीरो वन ही आएगा, चेक करो। हाँ ये रिफॉर्म जीरो वन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज कर लो, तो वही चीज वहां भी वही बना रहा था मैं। ठीक है ना? नेक्स्ट सर 44 वाले में, हाँ नीचे उसमें जो फाइव फंक्शन लिखाएंगे वो क्रिटिकल रीजन आपने जो बताया उससे तो 1, 2 और 3 होगी, सिर्फ 1, 2 होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई क्या होगा? यहाँ से तो नॉन जीरो आ जाएगा, जनरली हम दो तरह से लिखते हैं ना, लिखते हैं दो ही तरह से, तीसरे तीन तरीके से लिख दिया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई जो होता है ना वो होता है एक्चुअली, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ पे क्या करना, क्रिटिकल रीजन 1, 2, 3 ही होगा बट प्रोबेबिलिटी अलग अलग रहेगा, मतलब क्या ना एक्सपेक्टेशन जब लोगे तो क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई। तो ये कैसे बनाया इसने कि जैसे अगर मैं एक्सपेक्टेशन निकालता हूँ तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 है ना, 1 into सो 1 into प्रोबेबिलिटी एट दिस प्लस 1/4 into प्रोबेबिलिटी एट 3 है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तीनों कंसीडर करेंगे बट अलग अलग वैल्यू, तो इसका एक्सपेक्टेशन लेना तुम, ठीक है? जब भी फाई दे रखा हो, अगर इस तरह से कभी दे रखा हो तो यू टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स, इसका एक्सपेक्टेशन लो और जो भी काम करना है एक्सपेक्टेशन के साथ। पहले तुम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, यही था ना प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स गिवन एच नॉट इज ट्रू, वही चीज है। पावर चाहिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई एक्स गिवन एच वन इज ट्रू, वैसे प्रोबेबिलिटी की जगह एक्सपेक्टेशन लो। ठीक है बताओ नेक्स्ट। हाँ तो ए वाला
वाली बात, वो भी जिसने असाइन बना तुम्हारे जैसे ही लोग है वो, तो स्टूडेंट ही है, तो यहाँ से क्या होगा x be a random variable with pdf this, तो यहाँ तो कुछ वो नहीं है, किसका है मैंने पूछा, लैम्डा का, तो लैम्डा तो बस फ्री ऑफ, तो मतलब वही करना पड़ेगा, लाइकलीहुड लिखो एंड देन सिंगल रैंडम वेरिएबल है ये, लेकिन वो सिंगल लिखना गलती लिखा है इसने, पूरा सही से लिखा नहीं है, रैंडम सैंपल होगा ठीक है ना, और फिर लाइकलीहुड फंक्शन डिफरेंशिएट करके तो जो आएगा वही करेक्ट है, ठीक है ना, सिंपल क्या करना है तुम्हें, लाइकलीहुड फंक्शन निकालने हैं, लॉग लो, डिफरेंशिएट करो, जीरो पुट करो, जो भी पैरामीटर की वैल्यू आ रही है लैम्डा की वैल्यू वही तुम्हारे एम ए लिए, ठीक है, जो आ रहा है वही सही है तुम्हारा, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स तो बनेगा ही नहीं ना, बनेगा, अच्छा इसकी वजह से नहीं बनेगा, सिग्मा का वो क्या आएगा, सिग्मा का एमएलई क्या आएगा, सिग्मा इज लेस देन एक्सआई, तो सिग्मा का एमएलई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा, और उसमें तुम्हारा उसके एमएलई में सिग्मा आ रहा होगा, तो ये तो गलत हो गया ना, एमएलई क्या होता है, एस्टिमेटर होता है, एस्टिमेटर में एस्टिमेटर में अननोन पैरामीटर हो सकता है क्या, अभी तुम्हें बताया था ना मैंने कि एक पैरामीटर के एमएलई में दूसरा पैरामीटर आ रहा है, तो उस पैरामीटर का एमएलई यूज करो, तो यहां पे सिग्मा का प्लेस पे रखोगे तुम क्या, वही फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स रखो एंड आ जाएगा, हाँ उसको एन बाहर करके कुछ करो, तो सिंप्लीफाई करके उसने क्या किया, कैलकुलेशन देखना थोड़ा वैसा होगा, तो वो ऐसा नहीं बनेगा, वो उस टाइप का बनेगा, log x i माइनस log x 1 बन जाएगा, ठीक है, क्या डाउट है इसमें, इसमें एमएलई x प्लस अलग अलग थीटा के अलग अलग पीडीएफ दिया है ना, तो थीटा जब जीरो है तो वो है तुम्हारा पीडीएफ, थीटा जब वन है तो थीटा जीरो है पीडीएफ ये है, थीटा वन है ये, तो किस थीटा के लिए लाइकलीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, e की पावर 5 अपॉन e की पावर 5 माइनस 1, तो लेस देन 1 आएगा ये, अच्छा e की पावर 5 है ना, तो मोर देन 1 आएगा, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है लाइकलीहुड फंक्शन 1/5 है, तो इसका मतलब ये तो मोर देन 1 रहेगी और लेस देन 1 रहेगी, तो यही 0 होगा एमएलई इसका, है ना, मजा है कि नहीं, जीरो एमएलई होगा ना, किस थीटा के लिए लाइकलीहुड, तुम डेफिनेशन यूज करो सीधा, किस थीटा के लिए लाइकलीहुड फंक्शन मैक्सिमम है, वो एमएलई है, थीटा इज इक्वल टू 0 के लाइकलीहुड फंक्शन मैक्सिमम आएगा, ठीक है वो आ जाएगा, नेक्स्ट, हाँ ओके क्या बोला ये कि x1 x2 xn be a random sample from normal population with known variance है ना, and consider the two estimators sample mean and sample median for the sample mean
and sample median for mean of normal population, then efficiency of the sample median with respect to sample mean is. तो efficiency का क्या formula था? हाँ, तो सैंपल मीन तो एक्स बार है, सैंपल मीडियन क्या होगा? चेक करो सैंपल मीडियन क्या होगा, फिर सैंपल मीडियन का वेरिएंस निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं सैंपल मीडियन खुद ही एक एस्टिमेटर है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे x1 x2 xn upon this, तो यहाँ पे x बार बराबर है ना, x बार एस्टिमेटर म्यू का लेते हो तुम, अब यहाँ पे मीडियन का एस्टिमेटर क्या लोगे? हालांकि नॉर्मल में मीन और मीडियन इक्वल ही है ना, तो नॉर्मल में मीन और मीडियन दोनों इक्वल ही है एक्चुअली। लेकिन सैंपल मीडियम का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, सैंपल मीन जैसे एक्स बार है, सैंपल वेरिएंस जैसे तुम्हारा क्या है 1 बाय n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, तो सैंपल मीडियम क्या होगा? तो मीडियम का डेफिनेशन तो ये होता है ना कि cdf इक्वल टू हाफ हो जाए, वो तो मीडियम है। सैंपल मीडियम का डेफिनेशन क्या है तो चेक करो सैंपल मीडियम का, जैसे सैंपल मीन सैंपल वेरियंस है ना, उस तरह सैंपल मीडियम होगा और उस सैंपल मीडियम का फिर तुम्हें वेरियंस निकालना है। कोई एक्सप्रेशन बताओ क्या एक्सप्रेशन होगा? अरे मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का क्या मीनिंग है? तुम्हारे पास एक रैंडम सैंपल है ना साइज n का, तो क्या होगा? देखो पहले तुम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बना लोगे, ये हमारे पास रैंडम सैंपल साइज n का है, तो हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बना लिया। अब क्या है, इस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक, इस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या करोगे, इसका तुम्हारे पास n नंबर्स हैं इस ऑर्डर में, तो व्हाट इज मीडियन ऑफ दिस n नंबर्स? क्लास 9th में पढ़ा होगा तुमने कि मेरे पास n नंबर्स हैं, हाँ मिडिल टर्म लेते हैं, तो डिपेंड करेगा ना n ऑड है कि इवन है। सो n अगर ऑड है तो n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो एक ही मिडिल टर्म मिलेगा ना फिर। तो क्या मिलेगा, कौन सा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा? वो ऑड है, वो n प्लस 1 बाय 2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, और n जब इवन है, ये सैंपल मीडियन लिख रहा हूं मैं, और xn n इवन है, सॉरी xn by 2 और xn by 2 plus 1 by 2, ये है। तो ये तुम्हारा सैंपल मीडियन का एक्सप्रेशन हो गया, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। कोई नहीं, n तुम फिक्स कर लो, उससे आसान से आसानी से काम हो जाएगा। तो n तुम फिक्स कर लो, n को मान लो है 3 है फॉर एग्जांपल, तो ऑड है तो एक ही मिल जाएगा, तुम्हारे पास जो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो सैंपल मीडियन है, सैंपल मीडियन है, और एक्स बार तो पता ही है तुम्हें, तो एक्स बार जो है सैंपल मीन है। अब इन दोनों का वेरिएंस निकाल लोगे? सर नॉर्मल वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सैंपल हम तो बिटवीन कैसे उसको, क्योंकि उसमें सीरियम लगेगा। सीरियम क्यों लगेगा? मतलब सर वेरिएंस निकालने के लिए उसको ऑर्डर स्टैट्स का वेरिएंस देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डर स्टैट्स का मुझे वेरिएंस चाहिए है ना,
डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, तो नॉर्मल का पीडीएफ यूज कर लेंगे। हाँ क्या दिक्कत है? नॉर्मल का पीडीएफ से सीडीएफ भी आएगा ना, जैसे मान ली सेकेंड और मैक्सिमम भी है। हाँ मैं समझा, एन माइनस। तो सीडीएफ का एक्सप्रेशन एक्सप्लिसिट तो नहीं है यहाँ पे, तो दे रखा है, लेकिन अच्छा इसका आंसर 0.67 समथिंग। ओके सॉल्व कर रखा है मीन, हाँ मीन को एस्टीमेट कर दिया मीडियन का। अच्छा ठीक है, देखो इसको सॉल्यूशन भेज दो उसको, है ना, समझ आ जाएगा, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रुप में डाल दो। हाँ ग्रुप में भेज दो तो देख लेते हैं। ठीक है नेक्स्ट बताओ। हाँ क्या प्रॉब्लम है? इसको तुम थीटा आर लिख लो, तो यहां से क्या आएगा? देख लो एक बार कैलकुलेशन, क्या होगा ड्रबल में? अब बताओ तू क्या कह रहे थे? तो ये लाइवलीहुड फंक्शन है विद दिस इंटरवल, ऐसा क्वेश्चन किया ना हमने जहाँ थीटा टू थीटा प्लस वन था, ऐसा क्वेश्चन किया ना। हाँ बाई टू क्यों डिफरेंशिएट करें? अगर डिफरेंशिएट तुम डायरेक्टली करोगे तो क्या दिक्कत आ रही है? इसका एल डैश थीटा क्या आ रहा है? नेगेटिव नहीं आ रहा है? चलो थीटा का रेंज नहीं दिया ना, थीटा पॉजिटिव है कोई बात नहीं,
अच्छा तुम्हें ये लग रहा होगा कि तो जो मैक्सिमम का रूट से मिनिमम तक है, तो थीटा एक्स आई के मिनिमम वैल्यू से कम और मैक्सिमम का रूट से मिनिमम तक है, क्या लगता है? थीटा नेगेटिव वैल्यू लेगी यहाँ पे? नहीं लगी ना, पॉजिटिव ही लेगी। और इनफैक्ट जो ऑब्जर्व वैल्यू दिख रहा है वो तो ज्यादा ही है, मतलब ये तो एक्स आई की वैल्यू वाला की, तो एक्स आई की जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में आएगी, तो थीटा भी तो उसी इंटरवल में रहेगा। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करने पे क्या आ रहा है? तो तुम्हारे पास एक फंक्शन है और जो कि किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो तुम कैलकुलस में कैसे करते हो कैलकुलेशन? जब कोई फंक्शन दिया होता है, कोई क्लोज इंटरवल दिया होता है, तो कैसे मैक्सिमाइज करते थे वहां पे? तो वही करो ना अभी, तो देखो किस पे हाईएस्ट वैल्यू देगा, वही एम एन ही है। हाँ खत्म। हाँ भाई तो कागज भेज दिया, ठीक है। अरे इसने बना रखा है ना वेरिएंस ऑफ एक्स बार अपॉन वेरिएंस ऑफ मीडियन, तो ये फॉर्मूला ही है सैंपल मीडियन का, पाई सिग्मा स्क्वायर बाई टू एन। ओके ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तुम कि सैंपल मीडियन का जो वेरिएंस है ये आएगा पाई सिग्मा स्क्वायर बाई टू एन आएगा। बताइए क्या आएगा सैंपल मीडियन, क्या तो बताया मैंने। तो इस तरीके से ठीक है, चलो तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। कल से 9 to 11 चलेगा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, है ना, पहले जैम का फिर गेट का करेंगे। और आज टेस्ट किसी ईयर का पेपर का हुआ था, हाँ उसी का डिस्कशन होगा आज। तो कल 9 to 11 जैम 2023 के पेपर का डिस्कशन होगा। तुम लोग बार सॉल्व कर लो, दो तीन बार सॉल्व कर लो वो क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हो रहे हो, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे एक बार, है ना। ठीक है चलो, गुड नाइट अभी के लिए। जी हाँ, एक वो कॉन्सेप्ट होता है ना रिलेशनल डेरिवेटिव में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, हाँ उसको जरा वो बता दो क्या लगाते हो, दिक्कत होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था? कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, दो एक पॉइंट कर्व पे लो, एक पॉइंट दे रखा होगा, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो। कोई क्वेश्चन बताओ। जैसे एवी टेस्ट में था कि एक स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक पॉइंट दे रखा था 4 1 2 -1 3, तो उससे सरफेस डिस्टेंस पूछ रहा था। हाँ तो ये तो क्लास में कराया मैंने ना, तुम डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, अब इसको मिनिमाइज करो। नहीं नहीं क्यों, जिस कर्व पे पॉइंट है उस कर्व को यूज करो ना, तभी तीन वेरिएबल होगा तो वो पॉइंट उस कर्व पे है ना, तो वहां से एक इक्वेशन आएगी, दो वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा ये। तीनों पे इक्वेशन कैसे बनेगी? मान लो कोई कर्व क्या है तुम्हारा, जैसे मान लो जैसे डिस्टेंस होगा अल्फा माइनस वन का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस टू का स्क्वायर प्लस गामा प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वन है, तो वहां से गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ रख दो, तो कितने वेरिएबल बचेंगे? दो। दो वेरिएबल में फंक्शन मैक्सिमाइज कैसे करते हैं? हाँ बस वैसे ही करना है, रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दो पहले, डी स्क्वायर को फंक्शन मानना, उससे हो जाएगा। मतलब उससे वेरिएबल रिड्यूस, दो वेरिएबल आगे वैसे ही करना है कैलकुलेशन। अच्छा वो रह गया, तुम याद दिलाया तो भूल गया बताना, क्या एक टॉपिक लेने जब रहा है, कौन सा रह गया वो? पार्टीशन मैट्रिसेस। अच्छा उसको मैं डिस्कस करता हूँ एक दिन, 6-7 में एक दिन मैं कर देता हूँ, या
एक अलग से वीडियो बना के ऐड कर दूंगा, या मैं अभी डिस्कस करता हूँ एक दिन, है ना, तो कल ही या तो 8 to 9 में मैं जब तक पार्टीशन मैट्रिक्स करा देता हूँ, ठीक है, कल 8 to 9 में, 9 to उसका क्वेश्चन कोई जाम में अभी तक आया ही नहीं है, वो रिसेंटली ऐड हुआ है, वैसे उस पर कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, और पता नहीं आएगा भी नहीं बोली, लेकिन मेरा काम और टॉपिक के ऊपर है डेफिनेशन और उस पर एक एग्जांपल बता देना, तो कल मैं 8 to 9, कल 6 to 8 डाउट क्लास होगा, 8 to 9 में पार्टीशन मैट्रिक्स करा देता हूँ, और 9 to 11, ठीक है, 9 to 11 2023 का डाउट क्लास, ठीक है, चलो, थैंक यू, हाँ।